बड़ो जीव है, इन तो आवो कौन समझ में। मैं मारा हिसाब वो बता दियो था ना। फिर सही है। ओगवंती कोई टेंशन बेटा, कोई चिंता, कुछ कहना चाह रहे हो? चलो बेटा, सभी को राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तुम टाइम पे क्लास पे आते रहोगे, चाहे बारिश आए चाहे बारिश का बाप आए, तुम नहीं रुकोगे, है ना। अब तुम रेनकोट लेकर के आओगे, एकदम व्यवस्थित तरीके से तुम पढ़ोगे सारी क्लास है, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम क्लासे वलासे छोड़ दो, क्लासों में टाइम पे आओ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को गुड इवनिंग। आज अपन 2 घंटे पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ी सी देवियां, कल वाली थोड़ी सी बातें रह गई हैं, तो मैं छोटी मोटी कोई बातें रह गई हो तो मैं उसको इस सेशन में पूरा कर देता हूं। फिर अपन आज लोक देवता पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारा लोक देवता का। आप में से काफी बालकों लोक देवता पहले भी कभी पढ़े होंगे, लेकिन इस बार पढ़ोगे तो आपको यूं पक्का पक्का हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नया चैप्टर शुरू होगा आज से ही। जितने बालक मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अखी तिवारी, राम राम गुरुदेव बेटा, राम राम यशवंत, बिल्कुल जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। सभी बालकों को राम राम, राधे राधे। लो देखो, पहले तो मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें लोक देवियों की, कुछ और बच गई थी मैं उनको पूरी करा देता हूं, फिर अपन और आगे स्टार्ट करते हैं। मोटी मोटी बात तो मैंने लास्ट वाले सेशन में बता दी थी कि कौन सी लोक देवी कहां पर उनका स्थान है और कौन से वंश की कुल देवी है। कल मैंने आपको जो परसों वाला जो वीडियो हुआ था आपने शुक्रवार वाला, क्योंकि शनिवार को तो मेरी तबीयत खराब थी तो क्लास हो नहीं पाई थी अपनी, शुक्रवार को मैंने आपको सारी लोक देवियां पूरी करवा दी थी उसमें कि कौन कौन सी लोक देवियां क्या क्या हुआ करती हैं। थोड़ी सी बात मैं आपको लोक देवियों की, और कोई छोटी मोटी बच रही है तो मैं वो आपको और क्लियर करा देता हूं। देखिए बेटा, इसके बाद अपने जो और लोक देवियां हैं, जिसमें एक लोक देवी आती है हर्षद माता, एक माता जी हुआ करते हैं अपने जिनका नाम है हर्षद माता। नाम सुना तुमने हर्षद माता का? हर्षद माता अपने कहां पे हुआ करते हैं? आभानेरी। और आभानेरी अपने कहां पे बेटा? दोसा। तो हर्षद माता, हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है आभानेरी में, और आभानेरी अपने कहां पे बेटा? तो दोसा में। इनका जो मंदिर है हर्षद माता का मंदिर, इनके अगर मंदिर के निर्माण की बात करें कि मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया बेटा, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब वहां पर तो पता नहीं कोई शासक का नाम लिख रखा है, लेकिन वो कोई राजा आपसे पूछेंगे नहीं, सीधा आपसे वंश के बारे में पूछेंगे कि यहां मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया बेटा। तो गुज्जर प्रतिहार वंश ने, गुज्जर प्रतिहार जो शासक थे उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये मंदिर बना हुआ है महामारू शैली। कौन सी शैली बेटा? महामारू शैली में यह मंदिर बना हुआ है। महामारू शैली में अपने मंदिर बना हुआ है। फिर थोड़ी बात कर लेते अपन ज्वाला माता की। छोटी छोटी देवी बची है, बड़ी बड़ी तो सारी मैंने आपको 6-7 वीडियो करवा दिए ना। ज्वाला माता, ज्वाला माता की अगर अपन बात करें बेटा, तो इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? जोबनेर। और जोबनेर कहां पर है अपने? जयपुर। जोबनेर कहां पे बेटा? जयपुर। ये जो ज्वाला माता है ना, इनको भी किनका अवतार माना जाता है? तो ज्वाला माता भी रानी सती का अवतार माना जाता है। ऐसे कहते हैं जब रानी सती माता जो है भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी, भगवान शिव का अपमान हो रहा था उनके ससुराल में, अब शिव जी का अपमान हो रहा था तो उन्होंने कहा अपने पति का अपमान ऐसे कैसे सहन कर ले। आजकल के लोग हैं तो पति का ससुराल में अपमान हो तो जोर जोर हा 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 मजा आ गया, मजा आ गया, लकड़ी यही है, ऐसा करती है। लेकिन पहले अपने ऐसे नहीं हुआ करती, पहले वाली पत्नियां बड़ी मतलब यूं अपने पति के लिए जान दे, जैसी पति का अपमान होता है वहां पर यूं सुनना तो बड़े दूर की बात, मतलब उनका भयंकर तरीके से उनका विरोध करने में रहती थी। तो ज्वाला माता जो है बेटा, ज्वाला माता मतलब सती माता जो है, उनके पति का अपमान यानी शिव जी का अपमान इसलिए हुआ था क्योंकि शिव जी ऐसे भस्म लगाते थे, गले में सांप लटकाए हुए, डुमरू हाथ में लिए हुए, नंदी पे बैठ के आनान, तो उनके जो ससुर जी थे उन्होंने उनको यज्ञ में नहीं बुलाया। उन्होंने कहा मेरा पति चाहे कैसा भी हो, मेरा मेरा है, ऐसे कैसे अपमान कर सकते हैं मेरे पति का। अब जब उनका अपमान उनसे स्वीकार नहीं हुआ, उनसे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उनको जो है वो जिंदा आग में प्रवेश कर जाती है। जिंदा आग में प्रवेश करती है बेटा, तभी जो है उनकी जो कहते हैं कि जो पीठ पीठ का जो कुछ भाग है ना, वो यहां पर आकर के गिरा था, जो पीठ वाला भाग यहां गिरा था, तो यहां पर फिर बाद में जोबनेर में ही ज्वाला माता का मंदिर बना दिया। और अपने राजस्थान में राजपूतों में एक मतलब राजपूतों की अलग अलग जैसे कैटेगरी होती है, जैसे राठौड़ राजपूत हो गए, गुहिल राजपूत हो गए, वैसे खंगारोत, खंगारोत राजपूत होते हैं, तो जो खंगारोत राजपूत है उनकी कुल देवी है। और ऐसी मान्यता है कि यहां पर जो मंदिर की जो मूर्ति है, मंदिर में मूर्ति है, वो ज्वाला से निकली हुई मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है, वो भी अपना थोड़ा याद रख लेना। तो किनका अवतार माने जाए अपने ये, तो अवतार अपने से पूछे तो आप बताना सती माता का अवतार है। ये भी अपने किनका अवतार? सती माता का अवतार।
और कौन सी जाति की कुल देवी हुआ करती है अपने, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी। तो बेटा अपने खंगारोत राजपूतों की कुल देवी कौन कहलाती है, तो अपने ज्वाला माता कहलाती है। ये दोनों के बारे में तो एक बार तुम उतारो एंड टू एंड जल्दी, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी। इन वालों की YouTube वाले की थोड़ी फ़ॉन्ट साइज बड़ी कर देता, मुझे YouTube वाले कमेंट कम कम दिख रहे हैं। नाम दिख रहा है कविता, एंजल, राजेश। बिल्कुल रविंदर, तो पढ़ने नहीं आया रे आज, कहाँ रह गया तू बारिश में? ठीक है, बिल्कुल सभी को नमस्कार बेटा। जनक, पंकज, पार्वती, मनोज, सभी बालकों को राम राम बेटा। अब है ना सबकी रामा श्यामा होगी, अब बस तुम पढ़ो एकदम व्यवस्थित तरीके से, है ना। अब मैं तुमसे कोई रामा श्यामा नहीं करूंगा, बार बार ऊपर करने की क्या जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी क्या? ठीक ठीक, हाँ ठीक। अब कौन कर रही है विशानवी, अब तो लिखेला एकदम बैठे बैठे शानदार तरीकों पढ़ेला। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी, लिखो तो एक लाइन या और लिख लेना, मूर्ति ज्वाला से निर्मित मिट्टी से बनी है, मूर्ति ज्वाला से निर्मित मिट्टी से बनी है, मूर्ति ज्वाला से निर्मित मिट्टी से बनी है। लिख लिया तो ना, ये लाइन कहा लिखी बता, देख लिख ये लाइन भी। अब तो लोग देवता स्टार्ट हो रहे हैं अपने वैसे। अब मैं भिलवाड़ा जिले की लोक देवियां नहीं पढ़ाई तुम्हें ना, तो भिलवाड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट जिले की लोक देवियां आप पढ़ लेते हैं अपन। हाँ तो वहां अगले अपना हेडिंग डालो, धनोप माता, धनोप माता। अच्छा अपने ना 30 तारीख के दिन जो ना नया वो अध्यादेश आ रहा है, और नया अध्यादेश आ रहा है तो अपने नए अध्यादेश में जिलों की सारी सीमाएं उमाई निर्धारित हो रही है, 15 जिले बन रहे हैं, 15 जिले बन रहे हैं, तो सब कुछ चेंज होने वाला है मामला। इस 30 तारीख को आ रहा है अधिसूचना, केवल जयपुर और जोधपुर को छोड़ करके सभी नए जिले बनेंगे, और सभी नए जिले बनेंगे, सभी नए जिले में एकदम मामला चेंज होगा, और सारे जिलों में मामला चेंज होगा, तो अब मेरा भी मामला चेंज होने वाला है। मामला ये चेंज होने वाला है कि आपको ज्योग्राफी बाकी सब टीचर तो पढ़ाएंगे, इसके अलावा मैं भी राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी मैं और पढ़ाने वाला हूँ। यूट्यूब पे भी थोड़ी बहुत क्लासेस डालूंगा, ऐप वालों को ज्योग्राफी राजस्थान की ज्योग्राफी मैं और पढ़ाऊंगा पूरी, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी वैसे मैं पहले पढ़ाता था राजस्थान, बीच में मैंने छोड़ दी राजस्थान, अब मैं भी क्या है कि पूरी नई ज्योग्राफी अपडेट कर लूंगा नए जिलों का अकॉर्डिंग, और नए जिलों का अकॉर्डिंग अपडेट करके मैं भी और पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, पर उसका टाइम रहेगा 7 से 8 बजे का। जैसे ही अधिसूचना आती है 4-5 दिन का टाइम लगेगा, एक बार मुझे मैटर थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे वापस राजस्थान की ज्योग्राफी। बाकी से तो तुम पढ़ ही रहे हो, बाकी से तो पढ़ाएंगे, जैसे एसके सर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और मैं और पढ़ा दूंगा, और जैसे वो उनकी जो अपने जो कौशलेंद्र सर है उनकी पुरानी वाली ज्योग्राफी मैंने रिकॉर्डेड पूरी डाल दी है, तो जिनको पुरानी भी पढ़नी हो तो वो पुरानी भी उसमें अवेलेबल है ऐप में, पर अब अगर नया कुछ चेंज होता है तो फिर नए ही पढ़ेंगे, फिर पुरानी को तो क्या करना है। मैं इतनी खतरनाक ज्योग्राफी रटवा दूंगा तुम्हारी कोई दिक्कत आएगी नहीं, धनोप माता। तो फिर क्या मेरा पूरा ही सब्जेक्ट हो जाएगा राजस्थान जीके का, मतलब हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, तीनों ही अपने एकदम बढ़िया हो जाएगा। लो देखो धनोप माता, धनोप माता बेटा कहाँ पे है, तो शाहपुरा। अब मैं यहाँ शाहपुरा में भिलवाड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये शाहपुरा भिलवाड़ा वाला है, तुम शाहपुरा जयपुर वाला समझ लोगे, वरना अब शाहपुरा जिला बन गया है। तो ये शाहपुरा बेटा कहाँ पर, अपने पहले भिलवाड़ा में था, और अब ये जो है इसका निर्धारण हो चुका है, और 30 तारीख के दिन स्पष्ट घोषणा हो जाएगी कि इनमें कौन कौन सी तहसीलें मिलाई जा रही है। तो धनोप माता शाहपुरा भिलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है, यहां पर बेटा नवरात्रा में मेला लगता है, नवरात्रा में मेला लगता है, इतनी बात याद रखनी है, बाकी और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं धनोप माता के बारे में। स्थान पूछा जाएगा तुम्हें, मेन इंपॉर्टेंट है वो है बंकिया रानी माता,
बंकिया रानी माता। और बंकिया रानी माता बेटा कहां पर है, तो ये है आसिंध, और आसिंध नामक स्थान भी कहां पर अपने भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा जिले में ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा कभी। आसिंध भीलवाड़ा में अपने बंकिया रानी माता जी का मंदिर बना हुआ है, इनके यहां पर भी नवरात्रा में मेला लगेगा। और नवरात्रा के अलावा जो सबसे खास बात है ना बेटा बंकिया रानी माता का, यहां पर भूत प्रेत से जो पीड़ित व्यक्ति महिलाएं होती है ना उनका इलाज होता है। देखो गांव में एक और सिस्टम तगड़ा है, डाकनियां जो प्रवेश करती है ना वो महिलाओं के शरीर में ही प्रवेश करती है, पुरुषों के तो कोई चांस ही नहीं है, पुरुषों में कभी देखना डाकनियां वाकनियां प्रवेश नहीं करती है। और ये पता नहीं डाकनियां डुकनी आती है तो ये अपने भारत की महिलाओं में क्यों आती है, खास तौर से राजस्थान में क्यों आती है, अमेरिका की महिलाओं को भी डाकनी आई नहीं, अपने इधर ही डाकनी आती है, ये भी मेरे को आज तक समझ में नहीं आया यार, अपने वाली महिलाओं में ऐसा है क्या। अब यार देखो जो भी है मानते भी एक ऐसा होता है, यहां पर जो भूत प्रेत से पीड़ित महिलाएं होती हैं उनका इलाज होता है। तो अपने से पूछ ले बंकिया रानी माता, आसिंध भीलवाड़ा, नवरात्रा में मेला लगता है, और भूत प्रेत से पीड़ित, देखो भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज तो अपने सालासर बालाजी के होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पुरुषों में जो है ना ये भूत कहां से आ जाता है जिनका इलाज सालासर बालाजी का होता है, अपने इधर है मान्यता, और इधर अपने इधर के भूत होते भी बड़े खतरनाक है, वो आ जाते हैं ऐसे गांव में ना पक्का, तुम देखना एक आध पुराना आदमी तो ऐसा मिलेगा जिसने भूत देखा हुआ है, और उसे पूछोगे कि क्या किया तो वो कहेगा भूत ने मेरे से बीड़ी मांगी। ये तगड़ा सिस्टम है गांव में, एक तो तुम्हें पुराना आदमी मिलेगा ही मिलेगा जिसने भूत देख रखा है, क्या मांगा तो बीड़ी मांगी, मतलब भूत बीड़ी के अलावा और कुछ मांगता भी नहीं है, ये और तगड़ा सिस्टम है। एक तो तुम ये लिख लो धनोप माता छापरा भीलवाड़ा, स्थान ही पूछेंगे, नवरात्रा में मेला लगता है, बंकिया रानी माता आसिंध भीलवाड़ा, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है, इलाज होता है, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, देवनारायण भी आसिंध अपने भीलवाड़ा से है, देवनारायण जी का मंदिर भी, और इनका मंदिर भी अपने आसिंध यहीं से है। कोमल पटेल राम राम, गुरुदेव राम राम, आरु कविता सभी सीताराम, सभी को राम राम बेटा। ये दो ही बातें हैं, अब अपन लोक देवता की तरफ बढ़ते हैं, और लोक देवी अपने नहीं बची है, और कोई छोटी मोटी बच गई हो अपने एक आध किताब विताब देखना, कोई छोटी मोटी देवियां तुम्हें और मिल जाए तुम पढ़ना उसमें से, 7 क्लास हो गई अपने देवियों देवियों की। अब अपन देवता की तरफ बढ़ते हैं, देवता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबका फेवरेट जो कल्चर का टॉपिक होता है वो लोक देवता होता है। लो बेटा आगे बढ़े, अब अपने हेडिंग डालो अपने लोक देवता, ये टॉपिक सबका फेवरेट क्यों होता है आपको पता है ये बात, क्योंकि ना सब कोई लोक देवता आते हैं, थोड़े थोड़े से लोक देवता सबको आते हैं, सबने नाम सुना हुआ है, इसलिए अपने लोक देवता सबको यूं प्यारा सा टॉपिक लगता है, बढ़िया लगता है यार लोक देवता तो यूं बढ़िया टॉपिक है। लो देखो अपने लोक देवता के बारे में, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवता की अगर अपन बात करें सबसे पहले लोक देवता है क्या, क्या लोक देवता भगवान होते हैं क्या, किसी को लगता है कि लोक देवता भगवान है, भगवान तो है, भगवान की तरह तो है, पूजते हैं इनको, लेकिन वो वाले भगवान की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। भगवान का मतलब होता है उसका बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में उनको पूजा जाता है। जैसे मैं अगर कर्नाटक में चले जाऊं और वहां जाकर के कहूं कि प्रभु श्री राम की जय, तो वहां वाले लोग जय बोल देंगे। मैं तमिलनाडु में जाकर के कहूं कि जय श्री राम, तो वहां पर भी बोल देंगे। मैं असम में जाकर के बोलूं, मैं अरुणाचल में बोलूं, तो भी जय श्री राम बोल देंगे। मैं अगर इस शब्द को पाकिस्तान में ले जाकर बोलूं, तो वहां भी जो हिंदू होंगे वो जय श्री राम बोल ही लेंगे। अगर मैं अमेरिका में जाकर बोलूं तो भी वो बोल ही लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं तमिलनाडु में जाके कहूं कि पापूजी महाराज की जय, कौन है पापूजी महाराज, वहां जानते हैं क्या, नहीं जानते। मैं जाकर के मणिपुर में जाकर के वहां जाकर के कहूं कि हड़बूजी की जय, इधरा हड़बूजी की जय इधरा, तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि इनका क्षेत्र व्यापक नहीं होता, एक एरिया एक पर्टिकुलर जगह विशेष होती है जहां के लोग उन्हें पूजते हैं, जहां के लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। लोक देवता का मतलब होता है साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया,
अपने कार्यों से जनमानस में लोकप्रिय हुए, मान लीजिए अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे कामों की वजह से वो लोकप्रिय हो गए, वो देवता बन जाते हैं, लोक देवता बनते हैं। देखो देवता मैं भी बनूंगा, देवता मैं भी कहलाऊंगा, पक्का। मेरी मृत्यु के बाद हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में, हमारे क्षेत्र में ऐसी मान्यताएं होती है, हर व्यक्ति के मरने के बाद उनके गांव में उनके खेत की जो मेड़ होती है वहां चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरे के ऊपर उनकी पुतली बनाई जाती है और उनका प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिन्हें जुजार कहते हैं हमारी तरफ, तो यानी जुजार की स्थापना करना, तो वो घर के देवता होते हैं। देखो जो बड़े क्षेत्र में पूजे जाते हैं तो वो लोक देवता, जैसे मान लीजिए कि अपने जयपुर में पूरे में पूजे जा रहे हैं तो इतने बड़े एरिया में पूजे जा रहे हैं तो वो क्या है, लोक देवता। और मान लीजिए घर घर में ही पूजते हैं तो वो कौन से होते हैं, घर के देवता। मैं भी देवता बनूंगा, ये कन्फर्म है, मेरे भी खेत की मेड़ के ऊपर बैठा रहूंगा मैं पाली पे, 11 मावस मेरे भी धूप लगेगी, मेरी लुगाई रेडियो लेकर के आएगी चल करके और आकर के कहेगी कि अंदाता प्रतिनाथ गोडा गणा दुखे, फिर मैं उठे बैठे बैठे तो अब तो बुढ़ारा में गोडे ही दुखेला, फिर काय ओला, तो कुल मिला के मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, फिर भी मैं ठीक कर दूंगा, ये वो वही मेरे खेत की मेड़ पे मेरा आसे दोग लगा के जाएंगे, कहेंगे कि अपने खेत में रोजड़े वोजड़े नहीं आ जाए, नील गाय नहीं आ जाए, इनका ध्यान रखना। मैं कहूंगा इसीलिए तो बिठा रखा है मेरे को यहाँ पे कि रोजड़े नहीं आ जाए। कुल मिला के घर का देवता तो मैं भी बनूला, पर मेरा मन करता है कि मैं घर के देवता बनने के बजाय कोचिंग का देवता बनूं। ये जयपुर की जितनी भी कोचिंग है इनके बाहर मेरी प्रतिष्ठा लग जाए और फिर बाद में जो है मेरे वो बालक आते हैं जाते मकाने चढ़ाए और मैं तो चाहता हूं अभी से चढ़ाना शुरू करें। बाद का तो कि ये 2-3 बालकों ने तो चढ़ा भी दिया है, बाकी का नंबर आया नहीं। मुकेश कल तेरा नंबर है, ध्यान रखना, लियाना वरना क्लास में मत आना, समझ गया ना? हाँ, कल क्या लेकर के आएगा, क्या लेकर के आएगा, मकाने खाएंगे, जिंदा देवता, काजू कतली, इससे नीचे चांस ही नहीं है, समझ में आ गई बात? वरना क्लास में बता ना, कल भगा दूंगा ना। हाँ, फिर परसों दिन उगंती तेरा नंबर है, ठीक। देखो बेटा, तो साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने कार्यों से जनमानस में लोकप्रिय हुए, उन्हें क्या कहते हैं, अपने लोक देवता। लेकिन मुसलमान भी पूजते हैं, कुछ अपने हिंदू देवता ऐसे हुए हैं जिनकी पूजा मुसलमान भी करते हैं, मुसलमान कहते हैं ये देवता नहीं है, ये तो पीर है, पीर। मुस्लिमों में देवताओं को किस कैटेगरी में रखा जाता है, पीर। और अपने 5 ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा मुसलमान करते हैं और मुसलमान इन्हें क्या कहते हैं, तो पंच पीर। तो अपने से पूछ ले कि कितने ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा मुस्लिम भी करते हैं, तो 5 लोक देवता, जिन्हें अपने क्या बोला करते हैं, पंच पीर। राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा मुस्लिम करते हैं उन्हें पंच पीर कहते हैं और जिनकी पूजा हिंदू करते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, लोक देवता। अब जैसे देखो, अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर मुसलमान तो पूजते हैं तो बड़े बड़े लोक देवताओं को पूजते हैं, बिल्कुल, जैसे रामदेव जी को पूजते हैं, जैसे अपने बाबू जी महाराज को पूजते हैं, जैसे गोगा जी महाराज को पूजते हैं, लेकिन 2 लोक देवता ऐसे हैं जो छोटे छोटे आते हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है, यार तेजा जी महाराज को तो पूजते ही होंगे, लेकिन मुसलमान तेजा जी को नहीं पूजते हैं। 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम इन्हें पीर कहते हैं। एक और बात, जितने भी ज्यादातर लोक देवता हुए ना वो पश्चिमी राजस्थान में ही हुए। ऐसे भी पूछ सकते हैं तुम्हें कि राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता कौन से क्षेत्र में हुए, अपने कहना पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक लोक देवता होने के पीछे कारण क्या था, उधर के जो राजपूत वगैरह जो भी थे वो अगर गायों की रक्षा के लिए भी युद्ध करते हुए मारे गए ना तो उन्हें लोक देवता की कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि गाय को अपन मां समझते हैं और उनकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया वो क्या बन गए, लोक देवता। जिन्होंने भूमि की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए वो भी उधर क्या बन गए, लोक देवता। तो कुल मिला के लोक देवता कैसे बनते हैं, तो या तो भूमि की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, या फिर अपने जनता की रक्षा करते हुए, इस प्रकार युद्ध करते हुए वीर गति को जो भी प्राप्त होते हैं उन सबको अपने कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, लोक देवता की कैटेगरी में रखा जाता है। उन सबको अपन लोक देवता कहते हैं, लेकिन उनका एरिया एक जगह विशेष होता है। जैसे कुछ लोक देवता बड़े स्तर पे भी हैं, जैसे बाबा रामदेव जी को अपने पूरे राजस्थान में पूजते हैं, राजस्थान के अलावा गुजरात में और पूजते हैं, गुजरात के अलावा एमपी में और हरियाणा तक बाबा रामदेव जी को पूजा जाता है। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी को पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में और एमपी में पूजा जाता है, क्योंकि जहां जहां जाट बाहुल्य इलाका है, जहां जहां जाट रहते हैं वो सब जगह तेजा जी महाराज को मानते हैं। कुछ लोक देवता ऐसे हुए हैं जो थोड़े से ज्यादा बाहर तक पॉपुलर हुए हैं, लेकिन कुछ लोक देवता वहीं के वहीं हैं। अब जैसे मैं कहूं मांगलिया मेहा जी, पूर्वी राजस्थान वालों को तो पता ही नहीं है, अब बालक पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मांगलिया मेहा जी भी कोई लोक देवता है। बताओ बाकी पता होता है क्या, कभी बचपन में सुना है कि मांगलिया मेहा जी है अपने लोक देवता इधर वाले, नहीं सुना। उनको कैसे सुना, क्योंकि अपन ने उनके बारे में पढ़ा, अध्ययन किया,
अध्ययन किया तब जाके उनके बारे में पता चला। एक बार तो तुम हेडिंग डालो लोक देवता, मैं थोड़ी बातें तुम्हें बेसिक बेसिक बातें लिखवाता हूं। हेडिंग डालो लोक देवता, लिखो साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर, साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने कार्य से जनमानस में लोकप्रिय हुए उन्हें लोक देवता कहते हैं। और क्या परिभाषा हो जाएगी बेटा? गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें लोक देवता कहते हैं। उन्हें लोक देवता कहते हैं। हाँ बिल्कुल, पांच पीर अपने गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और मंगलिया मेहा जी, सोहनलाल, प्रीति, सभी बालकों को राम राम बेटा। और क्या बात हो जाएगी बेटा? भूमि की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें भोमिया जी कहते हैं। एक तरीके से लोक देवता की कैटेगरी में होते, भोमिया जी के रूप में ज्यादा पूछते हैं उनको, उन्हें अपने भोमिया जी की कैटेगरी में रखा जाता। अच्छा एक और चीज, अपने ज्यादातर लोक देवता हुए हैं वो राजपूत परिवार में हुए थे, उनके पीछे क्या कारण था? तो राजपूत परिवार में ज्यादातर लोक देवता होने के पीछे, क्योंकि राजपूत ही तो पहले गायों की रक्षा के लिए क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों का काम रक्षा करना, और रक्षा किनकी करते थे? चाहे गायों की चाहे जनता की, इसीलिए तो अपने ज्यादातर लोक देवता राजपूत हुए हैं। जैसे तुम देख लो पाबू जी राठौड़, जैसे अपने रामदेव जी तंवर, इसके अलावा जैसे हड़बू जी सांखला, गोगा जी चौहान, ज्यादातर जो लोक देवता मिलेंगे वो राजपूत ही मिलेंगे, क्योंकि राजपूतों का काम पहले लड़ाई लड़ना था, गायों की रक्षा करे, भूमि की रक्षा करे, अपनी जनता की रक्षा करे, कल्लाजी राठौड़, तो ये सभी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और सभी के सभी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए इन सभी को अपने उस कैटेगरी में रख दिया है ना। लिख लिया, आगे लिखो बेटा, मुस्लिम लोक देवता की पूजा पीर के रूप में करते हैं। अगली लाइन लिखो, मुस्लिम लोक देवता की पूजा पीर के रूप में करते हैं। मुस्लिम लोक देवता की पूजा पीर के रूप में करते हैं। अभी बेटा फाइनल नहीं आया ना, फाइनल अब आएगा रिजल्ट। मुस्लिम लोक देवता की पूजा पीर के रूप में करते हैं। राजस्थान के पंच पीर यानी पांच पीर। कैसे याद रखोगे? आसान सा है, क्या कहोगे? मेरा गोपा है। या तो आप ऐसे याद रख लो, ऐसे यानी गोपा लड़कियां नहीं कहती, यो तो गोपो मारो है, वो तो गोपो मारो है, लड़कियां नहीं होती ऐसे, नहीं कहती, कभी सुने नहीं हमारे उधर, कहते कि यो तो गोपो, आदमी को कहते हैं गोपा तो यो तो गोपो मारो है, यानी गोपा मेरा है, ऐसे याद नहीं रख, कोई बात नहीं, हर गम पी, ऐसे तो याद रह जाएगा, हर गम पी, लो ऐसे याद रख लोगे, हर गम पी। अपनी जिंदगी में जितने भी गम आए मुकेश, जितने भी गम आए, सारे गमों को क्या करना है? पी जाना है। गम तो आते हैं जाते हैं, गमों की क्या चिंता है, जितने गम आए सारे गमों को घटक जाना है। गम आने पर यूं नहीं नस उसका 8 दिन, हाँ
भोले जी होते हैं जैसे करते हैं, बाकी गम तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। गम तो जिंदगी का एक पार्ट है मेरे दोस्त, गम की क्या चिंता करनी है, हर गम पी। तो है से हड़बू जी, रे से रामदेव जी, गे से गोगा जी, मैं से मैहा जी और पी से पाबू जी। पर मुझे ये वाला ज्यादा बढ़िया लगता है तो मैं ये लिखा देता हूं, मैं से मैहा जी, मैं से मैहा जी, रा से रामदेव जी, लिखो इनको दे क्या रहे हो, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी और है से हड़बू जी। इन पांचों को अपने मुस्लिम भी पूछते हैं, इसलिए ये अपने क्या कहलाते हैं, पंच पीर। मेरा गोपा है, मेरा गोपा है, है आपके गोपा, ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उतार लो पंच पीर, पांचों पीरों के नाम लिख लो। मेरा गोपा है, कोई बात, थोड़ी देर लड़की बन जा तू, फीलिंग ले। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। आगे लिखो बेटा, सर्वाधिक लोक देवता, सर्वाधिक लोक देवता पश्चिमी, सर्वाधिक लोक देवता अपने राजस्थान में कहाँ हुए बेटा, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में हुए। अब आप बता सकते हो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता होने के पीछे रीजन क्या था, कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि पश्चिमी राजस्थान में ले दे के अपने लोक देवता ज्यादातर क्यों हो रहे। ओ सर, हमारे इतना ख्याल आता तब तो हम भी कोचिंग थोड़ी आते क्या। नहीं आया तभी तो कोचिंग आया। देखो बेटा, ये अपना भारत है, ये अपना राजस्थान है इधर। अब देखो बेटा, खाड़ी देश की तरफ से मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हुए, और जब भी मुस्लिम आक्रांता खाड़ी देश की तरफ से अटैक किए तो वो अटैक किस तरफ हुए थे, अपने इसी तरफ से अटैक हुए सारे, अटैक जो भी आक्रमण हुए वो सारे आक्रमण इधर से ही हुए। अरे इधर से ही होंगे ना, यूं थोड़ी आक्रांता यूं होकर के यूं हिमालय के इधर से होकर इधर से घुसेगा, इतना तो घुसेगा नहीं, सीधे ही अटैक करेगा। अब जब सीधा अटैक कर रहे हैं ज्यादातर आक्रांता, तो यहां से क्या होगा, ज्यादातर लोग जो है गायों की रक्षा के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए, भूमि के लिए रक्षा के लिए इधर से ही पहले इनको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इधर के लोगों ने ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। अब इधर के लोग ज्यादा लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए थे, और ज्यादातर जो राजपूत थे वो इधर ही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और धीरे 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 लोग उनको यूं मानने लग गए थे कि यार इन्होंने तो अपनी गायों की रक्षा के लिए, अपने जनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, तो इनको तो पूजना चाहिए। फिर धीरे धीरे पूजने लग गए, एक मान्यताएं बन गई, और वर्तमान में अपने यूं लोगों में खूब सारे प्रचलन हो गए कि ऐसे होता है कि यार बीमारी होती थी इस बीमारी का इलाज करते हैं। फिर ये क्या, कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्हें वास्तव में अवतार मान सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे सांप के काटे हुए का इलाज कर देते थे, बड़े बड़े यूं डॉक्टर की तरह काम करते थे, तो लोगों में यूं मान्यता हो गई यार ये तो यूं फेमस है रे, यूं सांप काट ले तो इलाज कर देते हैं, ये वो तो इलाज कर देते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार की परंपराएं चलना प्रारंभ हुई। इसके अलावा रक्षा करने का काम राजपूत ही करते थे, एक लाइन आप और लिख सकते हो, सर्वाधिक लोक देवता राजपूत घराने में हुए, सर्वाधिक लोक देवता राजपूत घराने में हुए, सर्वाधिक लोक देवता राजपूत घराने में हुए। सर्वाधिक लोक देवता राजपूत घराने में हुए, हो गया। अब अपन एक एक लोक देवता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े लोक देवता अपने पहले बड़े बड़े लोक देवताओं को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना। ज्यादातर लोक देवताओं को मैं शॉर्ट चार्ट के माध्यम से ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि तुम्हें चार्ट से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में, जो अपने राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता हैं। बाबा रामदेव जी, इनका तो अगर तुम्हें एक गीत याद आ रहा हो तो अपने बाबा रामदेव जी पूरे हो जाते उस गीत में। बताओ कौन से वाला गीत की बात कर रहा हूं मैं, सुना आपने कभी,
हे रूणी चीरा धनिया अज माल जीरा कमरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनो जीरा मापीर दास करी सु अरदास माने दस गयो कौन नाग जी। हाँ तो अगर आपने ये सुना है ना तो इस गीत में अपने पूरे बाबा रामदेव जी लगभग लगभग पूरे हो जाते हैं। देखो जैसे हे रूणी चीरा धनिया, धनिया किसको बोलते हैं अपने स्वामी, स्वामी को क्या बोलते हैं अपने धनिया। मारवाड़ की तरफ जाते हैं ना तो मारवाड़ की तरफ जो पति होता है पति को धनिया बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर का धनी है, यानी कि पति को क्या बोले अपने धनिया बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं। तो हे रूणी चीरा धनिया अज माल जीरा कंवरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा बरतार, यानी इसमें पूरा सारांश आ जाता है उनका। एक सेकंड ना, हेलो, हाँ जी बेटा, बेटा मैं क्लास से फ्री होकर आपको कॉल बैक करूं 7 बजे। सर मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी, मुझे कोर्स लेना है। हाँ जी, तो अगर अपने को गीत आ रहे होते हैं ना तो अपने को कल्चर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अपने को गीत कौन याद करे। अगर अपन ये याद करेंगे है रूणी चीरा धनियान इनको याद करेंगे तो फिर वो तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही उनको कौन याद करेगा। अपना तो दिल जाता है उनको याद करता, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से वो कौन याद करेगा। अपने तो वो काम की चीजें है क्योंकि उनसे परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आने हैं और इनसे अपने परीक्षा में प्रश्न आने हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आने हैं तो फिर अपने इन चीजों को तो अपन याद करे ही नहीं, मरे याद नहीं करे अपन। तो कहने का मतलब यह है बेटा अगर लोक गीत याद होते हैं तो शायद कल्चर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अपने को गीत याद नहीं है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। और बढ़िया है कि तुम्हें याद नहीं है, वरना अगर तुम्हें याद हो जाता कल्चर आता फिर हमारा तो रोजगार खतरे में था, हम तो क्या ही पढ़ाते फिर। इसे बढ़िया तुम्हें कल्चर नहीं आता ताकि पढ़ते रहो हमारा रोजगार चलता रहे। बाकी के तो आता हो तो फिर मालूम कौन पढ़े कल्चर को, लेकिन तुम्हें महीने भी याद कराने पड़ते हैं। पहले के बच्चे की तरह जैसे उनको जनवरी फरवरी याद कराते थे ना, वैसे तुम्हें चेत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ये याद कराने पड़ते हैं। ऑनलाइन वालों की भी हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहली बात देखो, मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। अब मैं ऐसे लिखूं क्या तुम्हें कि बाबा रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, ऐसी लाइनें लिखने की जरूरत ही नहीं। जन्म मैं लिख दूंगा उड़ू काश्मीर बाड़मेर, आप समझ गए कि यहां इनका जन्म हुआ। जन्म फिर आ जाएगा बेटा कब कि इनका जन्म इस दिन हुआ। अब मैं लिखवाऊंगा कि बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1409 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं है, सीधे केवल नीचे लिखूंगा, समझ जाओगे ये और आपको बहुत अच्छे से पल्ले पड़ेगी। जन्म कब कहां, कहां तो हो गया, जन्म हो गया तो वही हो जाएगा। वंश किस परिवार में इनका जन्म हुआ, फिर आ जाएगा बेटा इनकी माता। एक बार मैं ऐसे YouTube पे यही पढ़ा रहा था, किसी बालक ने मुझे कमेंट किया कि सर इनके माता पिता आपने गलत पढ़ा दिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही उसने, पत्नी, हो सकता है कि ऐसा कमेंट करने वाला और भी बंदा मिल जाए आज भी। पत्नी होगी बेटा, फिर इनका भाई धर्म बहन, बहन कर देते पहले, बहन धर्म बहन गुरु सवारी मोसेरा भाई प्रतीक चिन्ह। लो देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है बाबा रामदेव जी की, बाबा रामदेव जी का जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था ना बेटा, इनका जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर, और ये उड़ू काश्मीर अपने कहां पर है तो ये है शिव तहसील, और शिव तहसील कहां पर है बेटा तो ये शिव तहसील है बाड़मेर में। हो सकता है कि अब जो जिले बने तो जिलों के बाद ये गुड्डा वल्लाणी में चला जाए तो और देखेंगे, पर अभी के लिए अपने जो है ये कहां पे है तो बाड़मेर में, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। अपने कौन सी देवी के बारे में, रामदेव जी के बारे में बात हो रही है। इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था बेटा, तो इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, जन्म कब हुआ था अपने भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 1409,
विक्रम संवत 1409 में अपने इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? तो उड़ुकाश्मेर शिव तहसील बाड़मेर। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 1409। फिर बाद में बात करें बेटा कि इनका वंश कौन से वंश में जन्मे, तो तवर राजपूत परिवार में। कौन से परिवार में जन्मे बेटा? तवर राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था? उतार क्यों रहे हो, फिर क्या करोगे? इनकी माता के बारे में बात करें बेटा, माता का नाम क्या हुआ करता है? तो मेणा दे। जैसे देखो उस गीत में गाया था हमने, हे रूनी चीरा धनिया अज माल जीरा कंवरा, कंवरा यानी पुत्र, मेणा देरा लाल, लाल का मतलब होता है बेटा, मेणा दे। इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। अब देखो सब जगह मैं दे दे बताऊंगा, तो दे का मतलब होता है देवी, दे का मतलब क्या होता है अपने देवी, तो मेणा दे। पिता के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का नाम है अजमाल जी। पिता का नाम बेटा अजमाल जी। और पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम है नेतल दे। और ये नेतल दे कहां की थी? अमरकोट। और अमरकोट वर्तमान कहां पे? अपने पाकिस्तान। यानी कि अपने रामदेव जी ने शादी भी करी तो इंटरनेशनल शादी करी है। आसपास में कौन करी शादी? यानी कि बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के वापिस देखो, जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? उड़ुकाश्मेर। उड़ुकाश्मेर कहां पर है? शिव तहसील। और शिव तहसील कहां पे? बाड़मेर। जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के दिन, यानी 1409 विक्रम संवत। किस परिवार में, वंश में जन्म हुआ था बेटा? तवर राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम क्या हुआ करता है? मेणा दे। बढ़िया प्रश्न आते हैं यहां से सीधे सीधे। पिता का नाम क्या है बेटा? अजमाल जी। पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। पत्नी का नाम नेतल दे। कहां की थी बेटा? अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान के जो है यहाँ के एक राजा हुआ करते थे दल्ले सिंह सोडा। तो यहां पर एक सोडा परिवार था जिनके एक राजा थे जिनका नाम था दल्ले सिंह सोडा। दल्ले सिंह सोडा इनकी अपने पुत्री हुआ करती है। फिर देखो बेटा भाई, इनका जो भाई हुआ करता है, भाई का नाम है वीरमदेव। भाई का नाम क्या बेटा? वीरमदेव। बाबा रामदेव जी के भाई वीरुडोन। बहन का नाम क्या है? तो बहन का नाम है सुगना बाई। सुगना बाई। और धर्म बहन का नाम बेटा डाली बाई। ऐसे कहते हैं कि बाबा रामदेव जी, इनके भाई जो है ना ये वीरमदेव, ये दोनों एक दिन यूं घूम रहे थे, तो घूमते घूमते ये जंगल में गए थे, तो जंगल में इन्होंने एक पेड़ देखा, और पेड़ देखा तो पेड़ के पास जो ना एक छोटी सी बच्ची यूं झूले में रो रही थी, कर रही थी। बाबा रामदेव जी गए पास में, गए ने उस जुल्म किया था। आज भी अपने गांव में कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव में कहीं पर आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं, असभ्य असंस्कारी लोग, जो बारात निकल रही होती है दूल्हे की, तो वो कहते हैं यार ये तो नीची जात के हैं, इनको तो यूं घोड़ी पे बैठ करके निकालने का अधिकार नहीं। ऐसे ऐसे ऐसी कैटेगरी के लोग आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन उस जमाने में सोचो, बाबा रामदेव जी ने इनके विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था। आज इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी भेदभाव करते हैं। खैर अपने जैसे युवा नहीं करते हैं। आप कभी किसी दुकान पर चाय वाय पीने जाते हैं तो यूं थोड़ी देखते हो पंडित जी की चाय है कि कौन, अपन जहां से मिलता है वहीं से पी रहे हैं खा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये छुआछूत खत्म होते जा रहा है, अब भेदभाव खत्म होते जा रहा है। भाई क्लास चेक करना, क्लास रुक गई क्या? एप्लीकेशन वाली चल रही है? ऐप वाले एक बार कमेंट करना बेटा, क्लास रुक रही है क्या? एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि क्लास रुक रही है। सही चल रही है? तो गुरु का नाम क्या था बेटा इनके? ये है ना इनका मोसेरे भाई, इनके मोसेरे भाई का नाम पहले देख लो। अगर अपन एक लोक देवता और पढ़ेंगे, हड़बू जी। हड़बू जी इनके मोसेरे भाई थे। हड़बू जी बड़े हो गए, आपके जितने बड़े हो गए। अब आपके जितने बड़े हो गए तो क्या करनी पड़ेगी अपने? कोचिंग। और कोचिंग करने के लिए इन्होंने गुरु गुरु सर्च किया कि राजस्थान बेस्ट गुरु, तो इनको नाम मिला था अपने बालीनाथ जी। बालीनाथ जी के पास आकर के ये थानेदार की तैयारी करना शुरू। अब थानेदार की तैयारी शुरू करें। हाँ अच्छा, पहले रुकी थी, चल रही है, ठीक है, ओके ओके, अब चल रही है, ओके बेटा। तो हड़बू जी जो है, हड़बू जी कोचिंग वोचिंग करना शुरू बालीनाथ जी के पास। बालीनाथ जी के पास कोचिंग करे तो अपनी मौसी को फोन किया कि मौसी रामदेव क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं है, गांव में डोले। उन्होंने कहा मैं तो कोचिंग करूँ। काकी कोचिंग करे कि थानेदार की? फिर बाद में मनी ले जा, फिर तैयारी करा, उनका भेज दो उनको। तो दोनों के गुरु अपने एक ही बन गए। हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे और बाबा रामदेव जी के गुरु भी अपने बालीनाथ जी थे। तो बेटा इनके गुरु का नाम क्या था अपने? बालीनाथ। और उनके गुरु का नाम भी क्या अपने? बालीनाथ।
बाबा रामदेव जी सवारी करते थे, यूं तो है नहीं अपनी तरह यूं पैदल पैदल आ जाएंगे, ले चल चल चला कोचिंग चला पैदल पैदल ही चाल चला, यूं तो है कोने लो फ्लोर में आ रिया लटकर, यूं कोने कोई बाई घोड़ो आ रही हाथ दे रहा रुक जा रुक जा रुक जा मने ले चाल। तो बाबा रामदेव जी तो यूं तावर राजपूत परिवार में यूं बड़े फेमस थे, तो ये तो यूं घोड़ा वोड़ा लेके घूमते थे। इनके घोड़े का नाम था बेटा नीला, तो इनका घोड़ा था कौन सा था नीला, या इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, तो आपको कहीं कहीं पर लीला भी देखने को मिल सकता है, नीला या लीला घोड़ा, तभी तो कहते हैं नीलारा अस्वार। तो इनके घोड़े का नाम था बेटा नीला घोड़ा। ये घोड़े खूब पूछे जाते हैं, किरण काबड़ा किनका था, नीली घोड़ी किनकी थी, लीलण किनकी थी, नीला घोड़ा किनका था, ऐसे घोड़ों से भी प्रश्न आते हैं कि नीली घोड़ी किनकी थी, गोगा बापा किनकी घोड़ी थी। प्रतीक चिन्ह बाबा रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है वो है पत्थर पर पगले, यानी कि बाबा रामदेव जी के अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें बेटा तो इनके प्रतीक चिन्ह हुआ करते हैं अपने पत्थर पर पगले। कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह पत्थर पर पगले है, तो अपने रामदेव जी। अच्छा एक बार तो तुम ये बातें सारी उतारो जल्दी, ऐसे ही ठीक है, वरना वो थ्योरी टाइप लिखोगे कोई मतलब है नहीं। इसकी थ्योरी तो तुम खुद ही बना सकते हो कि बाबा रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 1409 को हुआ था। इनका वंश तवर राजपूत परिवार था, इनकी माता का नाम मेणादे था। अब वैसे लंबी लंबी लाइनें लिखने का कोई मतलब है नहीं, और ऐसे ही चार्ट बनानी है, लाइन वाइज नहीं बनानी है। मुकेश ऐसे बना चार्ट जैसे बना रखी वैसे बना। हाँ इनके प्रतीक चिन्ह पत्थर पर पगले, उतारो जल्दी। अब आप बालकों को किसी को मेरे से कोई काम हो मैसेज करो तो मेरे वो 141 वाले नंबर पे मैसेज मत करना, वो नंबर मेरे पास नहीं रहते हैं ना व्हाट्सअप वाले, वो हमारे जो कॉल वगैरह मैसेज वगैरह मैनेज करने के लिए एक टीम में रखा है मेंबर, उनके पास है। आपको किसी को मेरे से पर्सनल काम हो तो वो 257 लास्ट में है ग्रुप में, आपको ग्रुप में ऐड कर रखा है, मेरे वो नंबर ऐड है देख लेना, उसमें से उसके ऊपर ही मैसेज करना जो नंबर 257 वाले लास्ट में। किसी को कोई काम हो मैसेज करना हो, कोई क्लास के बारे में पूछना हो, कोई जानकारी कुछ भी बात हो तो 141 वाले मेरे पास नहीं रहेंगे अब। देव एक इनके ना, देव को बुलाना है क्या? हो गया उतार लिया सबने? हाँ बेटा पीछे हेम सिंह उतार लिया, एक और अपने लोक देवता जो भी ये अमरकोट पाकिस्तान में ब्याह करेंगे, किसी को याद आ रहे हैं वो लोक देवता? बाबूजी।
बाबूजी महाराज भी अमरकोट पाकिस्तान में, मतलब उन्होंने पाकिस्तान में ही शादी करी। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सू प्यार दे, गाना गाते रहते थे पूरे दिन। कौन सा वाला? प्यार दे प्यार दे 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 प्यार दे, बाबू जी इनका रुक जा, तेरा नाम ही सू प्यार दे। तो वो सोडा सिंह की, वो जो है ना वो अपने वहाँ के मतलब अमरकोट पाकिस्तान के सोडा सिंह की पुत्री थी ना, वंश था ये तो सोडा सिंह, सूरज सिंह सोडा उनका नाम था, सोडा वंश ही था, सूरज सिंह सोडा था, वो भी अमरकोट पाकिस्तान की। अब देखो बेटा इनके प्रमुख मंदिर, बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से इनके प्रमुख मंदिर हुआ करते हैं। तो देखो बेटा इनके अगर अपन प्रमुख मंदिरों की बात करें तो प्रमुख मंदिरों में एक तो इनका मंदिर आ जाएगा अपने रुणेचा में, और रुणेचा अपने कहां पर है? पोकरण। और पोकरण कहां पर है? जैसलमेर। पोकरण जैसलमेर। एक इनका मंदिर बना हुआ बेटा खुंडियावास, और खुंडियावास कहां पर है? अपने अजमेर। खुंडियावास कहां पर बेटा? अजमेर। एक इनका मंदिर बना हुआ है अपने खुंडियावास अजमेर, एक मंदिर है मसूरिया, और मसूरिया कहां पे है? जोधपुर। एक बेटा मंदिर बना हुआ है सूरता खेड़ा, और ये जो सूरता खेड़ा है ये अपने कहां पे है? चित्तौड़गढ़। एक मंदिर बना हुआ है बिराटिया, और ये बिराटिया कहां पे बेटा? पाली। बिराटिया कहां पे? पाली। इसके अलावा इनका मंदिर, एक और प्रमुख मंदिर बना हुआ है गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। अब देखो यहां से बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे। लो देखो क्या क्या बात ध्यान रखनी है, रुणेचा पोकरण जैसलमेर बाबा रामदेव जी का प्रमुख केंद्र। अगर अपने से पूछ ले कि बाबा रामदेव जी का प्रमुख केंद्र, सबसे जो प्रमुख केंद्र है वो सबसे प्रमुख केंद्र यही है, प्रमुख केंद्र। यानी बाबा रामदेव जी के बाकी तो सब केंद्र है, लेकिन इन केंद्रों में भी सबसे प्रमुख केंद्र जो है इनका प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता है बेटा? प्रमुख केंद्र हुआ करता है अपने रुणेचा, और रुणेचा कहां पर? अपने पोकरण जैसलमेर में। यहां पर बाबा रामदेव जी ने क्या की, तो यहां जीवित समाधि ली, यहां जीवित समाधि ली, और यहां पर जो मंदिर है बेटा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो मंदिर का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर शासक गंगा सिंह द्वारा। देखो बेटा बाबा रामदेव जी के अगर अपन मंदिर की बात करें तो सबसे प्रमुख जो मंदिर है इनका रुणेचा पोकरण जैसलमेर में। छोटे छोटे मंदिर तो बाबा रामदेव जी के असंख्य, जहां तुम देखोगे उस गांव में आपको मंदिर मिल जाएगा, अपने कोटड़ा में मिल जाएगा, अपने जो है हर जिले में मिल जाएगा बाबा रामदेव जी का मंदिर। कहीं पर भी जाओगे तो रामदेव जी को मानने वाले लोग अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि रामदेव जी ने छुआछूत के विरुद्ध काम किया था, और जो छुआछूत के विरुद्ध काम किया तो जो लोग ऐसे मानते हैं कि ये तो दलित हैं, ये तो शूद्र हैं, जो निचली जाति के हैं, वो लोग जो है ना बेटा वो लोग बाबा रामदेव जी को सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उनको उनको तो रामदेव जी ने उत्थान का काम किया। जैसे अपने भीमराव अंबेडकर साहब ने उत्थान के लिए काम किया था, वैसे उनके लिए पहले बाबा रामदेव जी एक तरीके से संजीवनी बूटी के रूप में आए थे। भीमराव अंबेडकर साहब से पहले तो बाबा रामदेव जी ने तो इस प्रकार के मुद्दे उठाए कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो वो लोग सबसे ज्यादा अपने बाबा रामदेव जी को मानते। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति है एससी एसटी वाले लोग जो होते हैं, जो अपने कैटेगरी में बांट रखे होते हैं, सरकार ने बांटा खेर, ये तो अपने तो यूं पढ़े लिखे तो अपन तो कोई भेदभाव करते भी नहीं है, फिर भी यूं लोग यूं कर देते यार ये तो एससी का है एसटी का है। वो लोग जो हुआ करते हैं वो लोग अपने बाबा रामदेव जी को सबसे ज्यादा पूजते हैं। ये जो खुंडियावास है बेटा, खुंडियावास अपने कहां पे? अजमेर में। और खुंडियावास अजमेर के अंतर्गत जो है बाबा रामदेव जी का राजस्थान का दूसरा प्रमुख मंदिर है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। देखो बेटा छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात, दूसरा रामदेवरा पूछे राजस्थान का तो वो है अपने खुंडियावास अजमेर। सीधे ही पूछ ले कि दूसरा रामदेवरा कौन सा है तो वो जूनागढ़ गुजरात। नहीं आया ना समझ में? वापिस सुन लो, इसे कहते हैं छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, या इसे बोलते हैं बेटा दूसरा रामदेवरा,
लेकिन अगर एग्जाम वाला ऐसे दे दे कि राजस्थान का दूसरा रामदेवरा किसे कहते हैं, तो राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहते हैं खुंडियावास को। इसे क्या कहते हैं बेटा, राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। वापिस सुन लेना, सीधा एग्जाम में ऐसे पूछे कि दूसरा रामदेवरा, तब तो अपने क्या करना है, जूनागढ़ गुजरात। आपसे ऐसे पूछे कि छोटा, यानी कि अपने से पूछ ले राजस्थान का दूसरा रामदेवरा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं खुंडियावास, और खुंडियावास अपने कहां पर है, अजमेर में। बाकी इनके प्रमुख केंद्र मसूरिया, जोधपुर, यहां पर रामदेव जी का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। यहां रुणेचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला, दूसरा सबसे बड़ा मेला, बाकी मेले तो हर जगह ही लगते, लेकिन यहां दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है मसूरिया जोधपुर के अंतर्गत। तो देखो अपने रामदेव जी के बारे में तुम्हें क्या क्या बातें मेलों में याद, प्रमुख केंद्रों में सबसे प्रमुख केंद्र रुणेचा, रुणेचा अपने कहां पे, पोकरण जैसलमेर में, यहां बाबा रामदेव जी का प्रमुख केंद्र है। क्यों प्रमुख केंद्र है, क्योंकि रामदेव जी ने यहां पे अपने जीवित समाधि ली थी। और बात करें खुंडियावास अजमेर, इसे राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है, और जूनागढ़ को छोटा रामदेवरा या दूसरा रामदेवरा कहते हैं, मसूरिया यहां अपने रुणेचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। बाकी सूरताखेड़ा और बिराटिया पाली ये भी पूछे जाते हैं, ऐसे नाम आते रहते हैं। हाँ एक बार आप इनको उतार लो, गरम वाला लाना, दे उसे सागर से पीडीएफ मंगा लेना, मेरे उस पे 57 वाले नंबर पे सेंड करना, 41 वाले मेरे पास नहीं है। छह बजे की बोला था उसने, छोटा रामदेवरा गुजरात के हैं सर। हाँ छोटा रामदेवरा गुजरात में है बेटा, उतार लिया। बड़े आगे लो मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना,
अब अपन के ना जो प्रमुख प्रमुख इनके शब्दावली आती है, जैसे बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं, इनके जो भक्तगण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनके यात्रियों को क्या कहते हैं, और इनके यहाँ पे रात्रि जागरण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनके यहाँ पे जुलूस निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ध्वजा को क्या कहते हैं, और ऐसे जो इनकी बेसिक बेसिक शब्दावली आती है, इनके जो मतलब जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं कपड़े के उन्हें क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। अब देखो बेटा इनकी और कुछ बातें हैं, सबसे पहली बात आती है कि बाबा रामदेव जी के जो है जैसे पर्चा, एक शब्द आता है अपने पर्चा, आप लोगों ने कभी सुना होगा पर्चा क्या होता है, आप लोगों ने कभी एक शब्द सुना होगा बेटा रीखिया, कि रीखिया क्या होते हैं, आपने कभी एक शब्द सुना होगा जातरू, कि जातरू क्या होता है, कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा ध्वजा, नेजा, नेजा क्या होता है, आपने कभी एक शब्द सुना होगा ब्यावले, ब्यावले क्या होता है, आपने एक शब्द सुना होगा तेरे ताली, तेरे ताली क्या होता है, सुना क्या ये शब्द, आपने तेरेताली हो गया, ब्यावल हो गया, नेजा, जात्रु, रीखिया, पर्चा, और एक नाम सुना होगा आपने गोड़ले, गोड़ले सुना होगा, एक अपने इनका अवतार किनको मानते हैं, वो अवतार नहीं लिखाया था मैंने, एक इनके यहां पर तुमने नाम सुना होगा जम्मा, जम्मा नाम सुना है, एक इनके मेले के बारे में देख लेंगे मेला। तो देखो बेटा सबसे पहली बात आती है बाबा रामदेव जी का पर्चा, जो बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, इन्होंने जो चमत्कार दिखाए थे और इनके द्वारा किए गए चमत्कार क्या कहलाते हैं बेटा, तो इनके द्वारा दिखाए गए चमत्कारों को कहते हैं पर्चा, यानी बाबा रामदेव जी द्वारा दिखाए गए चमत्कार, इनके द्वारा जो चमत्कार दिखाए गए थे चमत्कारों को क्या कहते हैं, तो चमत्कारों को कहते हैं पर्चा, यानी बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं चमत्कार क्या कहलाएंगे अपने, पर्चा। रीखिया क्या कहलाता है बेटा, तो मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं बेटा उन्हें कहते हैं रीखिया, बाकी भक्तों को नहीं, केवल मेघवाल भक्त होते हैं उन मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं रीखिया। आपसे पूछ ले कि मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं अपने, रीखिया। जात्रु क्या कहलाते हैं, तो बाबा रामदेव जी के आने वाले यात्री, और यात्रियों में भी मुख्य रूप से जो पैदल यात्री होते हैं ना, उन पैदल यात्री जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा जात्रु, ऐसे बोलते हैं। देखो ये का उच्चारण मारवाड़ की तरफ से जैसे करते हैं कि कुण आ रहे हैं कि जात्री आ रहे हैं, और जात्री से धीरे धीरे नाम ही क्या पड़ गया जात्रु, उधर ये को ये नहीं कहते हैं जय कहते हैं, जैसे यशोदा को यशोदा नहीं कहते हैं उधर कहते हैं जसोदा, आ तो कुण है आ तो जसोदा है, यशोदा नहीं कहेंगे उधर, मारवाड़ की तरफ कहता ही नहीं है, उनसे बोला ही नहीं जाए ये शब्द, तो उधर है ना उच्चारण में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये को उधर वाले जय ही बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कभी कहा होगा कि उधर के लोग जो है ना है नहीं बोल पाते हैं, है को से बोलेंगे से को है बोलेंगे, पता नहीं उनके मतलब यूं फिक्स कर रखा है, आप कहोगे कि हम साबुन लेने जा रहे हैं तो वो साबुन नहीं कहेंगे वो हाबुन ही कहेंगे, और हाबुन भी कौन कहते हैं, नेको तो खाई जाते हैं हाबू ही कहते हैं हाँ, और अपन तुम कहोगे कि मैं यहाँ सड़क पर खड़ा हूं, उगे मुंह हड़क पो उबो, मुंह हड़क पो उबो आजा, तो हड़क ही बोलेंगे वो, तुम कहोगे कि हमने अभी अभी सीरा बनाया है तो सीरा कहेंगे ना, तो वो कहेंगे मैं तो अभी अभी हीरो बनायो, तो हीरे को सीरा बनाएंगे, सीरे को हीरा बनाएंगे, हलवे को वो जो है सलवा बना देंगे, कुछ भी कहते हैं, पर सेम बोलते तो फिर मारवाड़ी कहीं के नहीं बोलते हैं बेटा, सुई को जो सुई को जो ना सुई को सुई नहीं बोलते हुई, तुम कहोगे सो रुपया वो गए हो रुपया, हो रुपया, तुम कहोगे सूजा वो गए हु जा हु, सो जाओ क्या कहेंगे हु जा हु तो मतलब मारवाड़ की तरफ ऐसा बोल दे, अरे लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता ना बेटा हाँ, नेजा हमारे उधर ऐसे बोलते, नेजा, नेजा क्या होता है बेटा, तो पंचरंगी ध्वजा के साथ निकाले जाने वाला जुलूस,
जो इनके ध्वजा होते हैं बेटा वो पंचरंगी होती है, तो पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा के साथ निकाले जाने वाला जुलूस बाबा रामदेव जी के जो पंचरंगी ध्वजा है उसके साथ निकाले जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है, तो नेजा। फिर बात करें ब्यावले, ब्यावले क्या होते हैं बेटा, बाबा रामदेव जी के गीत, बाबा रामदेव जी के गीत। अब देखो जैसे ही एग्जाम में आएगा ब्यावले, उसमें पहले नंबर का जो ऑप्शन आएगा, पहले नंबर का ऑप्शन क्या आएगा, सीधा सा पहला ऑप्शन आएगा ब्यावले में कि विवाह में गाए जाने वाले गीत। दूसरा ऑप्शन आएगा जीण माता के गीत। अपन देखेंगे कि ब्यावले और ऑप्शन पहले ही क्या है, विवाह में गाए जाने वाले गीत। राजस्थानी भाषा में ब्याव को, विवाह को अपने क्या बोलते हैं, ब्याव। और अपन सीधे कहेंगे ब्याव में ले 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 वाले गीत, जबकि ये ब्याव में ले 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 वाले गीत नहीं है, ये गीत क्या है अपने बाबा रामदेव जी के गीत। यानी सभी लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत, यानी अपने जितने भी लोक देवता हैं जिनके गीत पढ़ेंगे उन सभी गीतों में सबसे लंबे गीत जो है वो बाबा रामदेव जी के गीत हुआ करते हैं। तेरे ताली, तेरे ताली क्या है बेटा, तो इनके मेले में किया जाने वाला एक नृत्य है जिसको अपने क्या, तेरे ताली। यूं नहीं हो कि बाबा रामदेव जी दिखते 13 बार तालियां बजाने की मजा आ गया मजा आ गया मजा, ऐसा नहीं। तेरे ताली क्या है, तो तेरे ताली क्या बेटा कि इनके जो है इनके गीत, इनके नृत्य, इनका नृत्य जो बाबा रामदेव जी किए जाने वाला जो नृत्य है कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य अपने तेरे ताली कहलाता है। गोड़ ले, देखो एक और आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें तेजाजी महाराज, तब मैं पढ़ाऊंगा गोड़ला। गोड़ला क्या होता है, तो तेजाजी महाराज के भोपों को गोड़ला कहते हैं, और गोड़ले क्या होते हैं, बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाने वाले कपड़े के गोड़े। आपने कभी सुना होगा एक गीत, गोड़ लियो मंगवाई मारी मामा ने गोड़ लियो मंगवा। बाबा रामदेव जी छोटे थे तब वो एक घोड़े की डिमांड करते हैं, तब वो एक दर्जी को बुलाते हैं, नकली कपड़े का घोड़ा बनाते हैं, वो नकली कपड़े का घोड़े को लेकर उड़ जाते हैं बाबा रामदेव जी। उसके बाद से उनके जो है ना कपड़े के घोड़े चढ़ाने की मन्नत पूरी होती है। कभी तुम रुणेचा जाने का मौका मिले तुम्हें रामदेव जी के, तो वहां अपने कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जैसे अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता, जैसे आप कभी जाओ अपने यहाँ पर शीतला माता के, तो शीतला माता के यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर क्या चढ़ाया जाता है अपने प्रसाद के रूप में, मनोकामना पूरी होने पर झाड़ू चढ़ाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और जो कपड़े के घोड़े होते हैं बेटा उन्हें क्या बोलते हैं, गोड़ले। अवतार, अवतार ये अपने किनके कहलाते हैं, तो श्री कृष्ण का अवतार। अपने बाबा रामदेव जी को किनका अवतार मानते हैं, श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। फिर आता है कि जम्मा, जम्मा क्या होते हैं बेटा, तो जम्मा बोलते हैं बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण, जो रात को जागरण होते हैं ना अपने। देखो कभी तुम मान लीजिए तुम रुणेचा चले गए जागरण में, जागरण में जाकर के तुम वहां जाकर के बैठ गए, तो दूसरा लोग आया उसने कहा खड़ा हो जा, यहाँ कैसे बैठ गया, तूने कहा ये जगह मेरी है, मैं यहाँ जम गया हूँ, अब यहाँ से आज हिलूं कल हिलूं, तो आप वहां जा जाकर अपना छोटा छोटा बिस्तर ले जाते हैं, बिस्तर ले जाकर अपन जम जाते हैं वहां पे। फिर कोई अपने को उठा था अभी रेपटा पड़ेगा, मैंने पहले बिस्तर रख रखा है, खड़ा हो जाए यहाँ से, जम गए। यानी इनके वहां पे जा जाके तुम रात्रि जागरण में जम गए, तो रात्रि जागरण बाबा रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होते हैं बेटा, इनके रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं अपने, जम्मा। एक बार तो तुम ये बातें उतारो, एक बार तो अपने ये बातें उतारो। पैदल है रे, पैदल है, सही कर देना। बाबा रामदेव जी की रचना है ना, अपने इनकी रचनाओं कहते हैं 24 वाणियां। सर साइकोलॉजी की बहुत सारी 7 वीडियो, साइकोलॉजी की 7 वीडियो। मेला अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा बेटा, मेला थोड़ा डिटेल में और लिखेंगे, जगह नहीं यहां पे। आज अपने बहुत दिनों बाद 2 घंटे ही क्लास हो रही ना मेरी, तो काफी लंबे टाइम बाद 2 घंटे ही क्लास हो रही है।
हाँ बेटा बिल्कुल आरु, एकमात्र कवि लोक देवता, मैं आगे लिखवाऊंगा वो बात है ना, अब इनके कार्य लिखवाऊंगा ना तब लिखवाऊंगा कि अपने राजस्थान के एकमात्र कवि लोक देवता है। कामड़िया पंथ दलितों के उत्थान हेतु बाबा रामदेव जी ने चलाया था मेला, ने मेला तो डिटेल में बड़ा लिखवाऊंगा ना अलग से, जगह कम पड़ेगी मेले के लिए है? जुलूस, जुलूस जुलूस बोलते क्या हिंदी में उसको, मुझे नहीं पता शब्द शुद्धि के बारे में, इतना हिंदी पढ़े हुए एक साल हो गया। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो मेरे यही जचेगी, मैं यही लिखूंगा। लिख लिया, अब हेडिंग डालो उपनाम। उपनाम मेला लिखवा दूंगा कोई बात नहीं, उपनाम क्या हुआ नहीं लिख पाया? तो तुम बोले ही दिखते हो, ये तो एडवांस, ये तो साथ के साथ ही लिख लेते हैं, बोल और नहीं रे, फीस नहीं दी क्या उससे, और तुमने डबल डबल दिए। इन दोनों ने, इन दोनों 10,000-10,000 रुपए। हाँ जी बेटा, अब देखो पहले मैं मेला ही पढ़ा देता हूँ ना, मेला हेडिंग डाल देती तुम, मेला मेला, वैसे मैं आगे और पढ़ाऊंगा तुम्हें बाबा रामदेव जी का मेला। देखो बेटा इनका जो मेला है ना, सारी बातें अच्छे से देखना, मेला कब लगता है, तो बाबा रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी इस दिन इनका जन्म हुआ था, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ इसलिए इनका मेला द्वितीया के दिन शुरू होता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। अगर अपने से पूछ ले कि बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। मेला कहाँ लगता है बेटा, तो इनका मेला लगता है रुणेचा में, क्योंकि प्रमुख केंद्र वही है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, और कहाँ लगता है बेटा, तो रुणेचा में, और रुणेचा अपने कहाँ पे है, पोकरण, और पोकरण कहाँ पर है, जैसलमेर। फिर देखो बेटा इनका जो मेला है, इनके मेले को क्या कहा जाता है, तो इनके मेले को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। लगता है लेकिन सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, मतलब इनके मेले में ऐसे हिंदू मुसलमान सब जा सकते हैं, ऐसे यूं भेदभाव नहीं किया जाता है, जैसे ख्वाजा साहब के उर्स में कोई भेदभाव नहीं होता है, वैसे इनके मेले में भी कोई भेदभाव नहीं होता, तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है बाबा रामदेव जी का मेला। ये भी थोड़ा याद रखना, इनका मेला क्या माना जाता है, तो अपने सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, और अपने क्या बात याद रखनी है, इनके उपनाम, इनका जो मेला है इनके मेले के उपनाम है, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ, ये जो मेला है ये मेला कहलाता है मारवाड़ का कुंभ, और क्या कहते हैं इसे, मारवाड़ का लक्खी मेला, क्योंकि यहां पर लाखों लोग आते हैं, लक्खी मेला, मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं इसे, मारवाड़ का लक्खी मेला भी बोला करते हैं। कौन से मेले को कहते हैं अपने, बाबा रामदेव जी के मेले को, ये बातें अपने इनमें याद रख लेना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी कहां लगता है, तो रुणेचा में, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, उपनाम क्या है, तो मारवाड़ का कुंभ या मारवाड़ का लक्खी मेला।
हो गया। अब अपन हेडिंग डालो बाबा रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी के उपनाम। इन्हें अपने किस किस नामों से जाना जाता है? एक तो इन्हें कहते हैं बेटा बाबा पीर, एक इन्हें कहते हैं पीरों का पीर, एक इन्हें कहते हैं बेटा रामसा पीर, एक इन्हें कहते हैं रुणेचारा धनी, एक इन्हें कहते हैं मारवाड़रा स्वामी, मारवाड़रा स्वामी। बाबा पीर, पीरोरा पीर, रामसा पीर, रुणेचारा धनी, मारवाड़रा स्वामी। ये अपने इनके उपनाम हो गए। आसान से है उपनाम तो, सबको आते हैं, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें तो। अब देखो बेटा एक मेन चीज, लोक देवता, सवारी और अवतार, ये अपने को बार बार कंफ्यूज करेगा। तो मैं एक साथ ही तुम्हें एक साथ समझा देता हूं ताकि तुम्हें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर बाद में तुम एक साथ ही कर लोगे। देखो बेटा रामदेव जी अभी चलेंगे, रामदेव जी के कार्यवारी अभी तो चलेंगे, ये तो मैं क्या एक साथ समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो बेटा जैसे अपने रामदेव जी, तो रामदेव जी की सवारी क्या हो गई और रामदेव जी का अवतार किसका हो गई। फिर अपने पाबू जी है, तो पाबू जी को किनका अवतार माना जाता है और पाबू जी की सवारी क्या हो गई। जैसे अपने गोगा जी है, तो गोगा जी को सवारी क्या हुआ करती है। जैसे अपने तेजा जी है, तो तेजा जी की सवारी क्या है। जैसे एक अपने देवनारायण जी है, देवनारायण जी की सवारी क्या है। जैसे हड़बू जी महाराज है, तो हड़बू जी की सवारी क्या है। जैसे अपने एक और लोक देवता है देव बाबा, देव बाबा की सवारी क्या है। जैसे अपने कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़। तो बेटा ये क्या मैं एक साथ समझा देता हूं तुम्हें ताकि बाद में तुम्हारे एक साथ सवारी, सवारी का मतलब जैसे रामदेव जी, रामदेव जी किसके ऊपर बैठ के सवारी करते थे, तो इनकी सवारी करती है अपने नीला घोड़ा। इनकी सवारी क्या बेटा, नीला घोड़ा, या अपने आ सकता है तुम्हारे ऑप्शन में लीला घोड़ा, नीला घोड़ा या लीला घोड़ा। पाबू जी की मैं बात करूं बेटा, तो इनकी सवारी है अपने केसर कालमी। इनकी जो घोड़ी होगी, इनकी घोड़ी का नाम क्या है अपने पाबू जी के, केसर कालमी। फिर बाद में बात करें गोगा जी की, तो इनका नाम है गोगा बापा। गोगा जी घोड़ी का नाम तो आसान है, गोगा बापा, या फिर नाम मिलेगा तुम्हें नीली घोड़ी, या तो तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा गोगा बापा। लेकिन एग्जाम वाले को भी पता है कि गोगा बापा दे देंगे तो गोगा जी को आसान से कर लेगा, तो वो ऑप्शन में क्या देगा तुम्हें, नीली घोड़ी। अब नीली देगा तो आसान से होगा नहीं, तो वो नाम तगड़ा ही देगा तुम्हें। तेजा जी महाराज, इनका तो सबको ही पता है लीलण, या अपने सिणगारी, लीलण कहते हैं, या अपने इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिणगारी। देवनारायण जी की घोड़ी की बात, इनके वाहन की बात करें कि देवनारायण जी की क्या हुआ करता है, तो लीला घर, कौन सा घर बेटा, लीला घर। फिर बात करें अपने हड़बूजी महाराज की, हड़बूजी महाराज का हुआ करता है शियार, ये अलग ही लॉन्च करियो, मतलब यूं शियार पे बैठ के घुमा करते थे, तो इनका अलग ही सवारी हुआ करती, इनकी सवारी क्या अपने शियार। देव बाबा, ये तो और ही खतरनाक, भैंसा पाडा पे बैठ के सवारी करते हैं, भैंसा, भैंसा मीन्स भैंस का हस्बैंड, पाडा। कल्ला जी राठौड़, ये अपने सवारी वारी किसी पर नहीं करते थे, ये तो अपने आराम वाले, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अवतार, अपने किन का अवतार माने जाते हैं बाबा रामदेव जी? तो बाबा रामदेव जी को अपन श्री कृष्ण का अवतार, किन का अवतार मानते बेटा? श्री कृष्ण का अवतार। और बाबूजी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। बाकी और अपने गोगा जी को अपने कुछ नहीं पूछते रहे, गोगा जी में नहीं आएगा, तेजाजी महाराज में कुछ नहीं आएगा, देवनारायण जी में आएगा। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, देवनारायण जी को बेटा विष्णु का अवतार। बाकी अपने अड़बू जी में कुछ नहीं आए, देव बाबा में कुछ नहीं आए, कल्ला जी राठौड़ में आएगा, इनको कहते हैं शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार। तो ये सारी चीजें अपने एक साथ याद करने का प्रयास करना, ताकि अपने जब भी यूं पढ़े तो सारी चीजें एक साथ व्यवस्थित रह जाए। रामदेव जी सवारी नीला घोड़ा, रामदेव जी सवारी नीला घोड़ा, बाबू जी केसर कालमी, गोगा जी गोगा बापा या नीली घोड़ी, तेजा जी लीलण या सिणगारी, देवनारायण जी लीलागर, हड़बू जी शियार। ये देखो नीला लीला लीला नीला कंफ्यूज करेगा, इसलिए सारा मैंने एक साथ लिखाया है। और हड़बू जी महाराज का शियार। और अच्छा मंगलिया मेहाजी नहीं लिखा क्या? मंगलिया मेहाजी और लिखो, मंगलिया मेहाजी के हैं किरण काबरा, मैं यहां लिख देता हूं मंगलिया मेहाजी, मंगलिया मेहाजी, इनका जो है बेटा किरण काबरा, किरण काबरा। मंगलिया मेहाजी की अगर सवारी की बात करें तो इनकी सवारी है अपने किरण काबरा। ऑनलाइन वाले बालकों, मैं जल्दी ही आपकी टेस्ट सीरीज पे भी काम चल रहा है, मैं जल्दी आपके टेस्ट सीरीज व्यवस्थित कर दूंगा। कुछ कोर्सों में टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं हो पाई थी, और टेस्ट पे एकदम व्यवस्थित टीम लग रही है काम के लिए, टेस्ट वगैरह एकदम नए अपडेटेड टेस्ट बन रहे हैं। जल्दबाजी में पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन डलेंगे वो मैं चाहता नहीं हूँ। जब कोर्स पूरा नया अपडेट आपको कोर्स मिल रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, तो फिर बाद में टेस्ट सीरीज भी नई अपडेट होगी। आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अपने एप्लीकेशन पे, सभी बालकों से भी मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा आप धैर्य रखें, आपको बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलेगी। जल्दबाजी में फिर टेस्ट वेस्ट मज़ा नहीं आएगा आपको, और मैं नहीं चाहता हूँ आपको मज़ा नहीं आए, एकदम यूँ मज़ा आना चाहिए आपको। मैं एक और चीज़ आपसे कुछ डिमांड थी मेरी, जो भी नए बालक जुड़े हैं अपने एप्लीकेशन पे और उन्हें यूँ पढ़ना वढ़ना ठीक लगे अपने, तो अपने एप्लीकेशन में एक रिव्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ जाना तुम रिव्यू ज़रूर डालना, तुम्हें बढ़िया लगे तो भी डालना, तुम्हारे तरफ से कोई और बात हो तो भी ज़रूर डालना, ताकि हम लोग और उसमें कोई सुधार कर सके, कोई नई चीज़ कर सके, नवाचार कर सके। बाकी आप लोग ही जानते हो इतना सस्ते में हम कोर्स वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम, वो भी मुझे उम्मीद है कि तुम 5 स्टार देकर के बढ़िया बढ़िया रिव्यू डालोगे, रिव्यू जरूर डालना। ऑफलाइन वाले तुम भी जिन्होंने नहीं डाला रे, रिव्यू जरूर डालना तुम भी, क्यों आज ही डालना। क्या नहीं सुनी तो? अच्छा यूं ये सारा बालक तारी पातल बना देगा। किरण काबरा, मंगले में आजी का किरण काबरा। तो आज क्या इतना ही पढ़ लेते हैं, मेरी भी थोड़ी तबीयत क्या 2-3 दिन से डाउन थी, अब थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। अपने रामदेव जी के कार्य वार्य और बातें पढ़नी है। अरे किरण काबरा इनका घोड़े का नाम है बेटा, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने वहां लिख दिया, अवतार कुछ नहीं, अवतार तो ये चारों ही याद रखने। हाँ है ना, आज अपनी क्लास यही खत्म कर देते हैं, कल से तुम्हारी 1 घंटे की क्लास और बढ़ाएंगे, कोई ना कोई क्लास, या तो ज्योग्राफी को मैं 2 घंटे कराऊंगा, ज्योग्राफी को 2 घंटे करा देता हूँ इंडिया वाली को, है ना, ताकि ज्योग्राफी का सही कोर्स हो जाएगा, और 2 घंटे अपनी कर देंगे। तो अपनी क्लास 7 बजे की बजाय 7:30-7:30 तक क्लास को लेंगे, लंबी करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं इतने ही लेंगे, 10 बजे तक तो नहीं लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहना, मस्त रहना। बाबा रामदेव जी के कार्य मैं आपको कल वाले सेशन में कराऊंगा, पहले मैं बाबा रामदेव जी के कार्य पढ़ाऊंगा तुम्हें, और कार्य पढ़ाने के बाद जो है उसके बाद में तुम लोगों को जो है कार्य जैसे ही पूरे हुए उसके बाद अपन अगले लोक देवता की तरफ पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।